हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। और सुबह का समय है, आज है कीर्तन राधे कृष्ण का, तो जहाँ पे शादी है वहाँ जाना है। और जेसीबी की खुदाई हमारे घर के आगे शुरू हो चुकी है, अब तो गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी। तो गाड़ी तो खैर मैं वॉशिंग के लिए दे आया हूँ सुबह ही जाके, ताकि रास्ते वास्ते बंद हो तो कोई दिक्कत ना हो। और कार्तिका का मैसेज आ गया था, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो उसका मैसेज आ ही जाता है कि ये लाना या वो लाना। तो आज फरमाइश थी ब्रेड और अंडे लाने की, तो वो भी ले लिया मैंने। और अपनी दाढ़ी भी मैंने थोड़ी शेप करा ली है। अब घर चलते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, फिर सीधा चलेंगे डोईवाला कीर्तन पे, और वो आपको ब्लॉग दिखाएंगे हम आज का। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, ब्रेड और अंडे लेके मैं आ चुका हूँ ऊपर, और कार्तिका निर्भय को पिला रही है दूध, धूप में बैठ गए, एकदम रिलैक्स बैठी हुई है, जैसे कहीं जाना ही नहीं है हमें आज। और अभी जाते जाते देखना कितना लेट होगा। और इस ब्लॉग को आप पूरा देखना, हम निर्भय को एक स्पेशल ड्रेस पहनाने वाले हैं, तो देखते हैं उसकी कैसे आएगी ये ड्रेस। तो ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर आपको हम थोड़ी देर में। दोस्तों, इसकी ड्रेस तो लाया था मैं, अभी ये मछली बन गया, लेकिन इसकी जो ड्रेस है वो होगी इसको छोटी। तो दोस्तों, फिर से पोपट हो गया हमारा, अब इसको कुछ और पहनाना पड़ेगा यार। मेरा बहुत मन था इसे पहनाने का, पापा मेरे पे गुस्सा करेंगे। पोपट ही पोपट हो रहा जीवन में, अब इसे कुछ और पहनाता हूँ यार। मैं नहा चुकी हूँ और मैं आई हूँ धूप में अपने बाल सुखाने, और साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ। और अंदर आयुष निर्भय के साथ है, वो सो गया है, बट स्टिल अभी अंदर ही है, वो अभी जस्ट सोया है, बहुत क्रैंकी हो गया था। आज कीर्तन है, तो शादी का जैसे मैंने बताया था आज से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम्स, तो अभी हमने जाना है। बट बच्चे के साथ ना थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा आज क्रैंकी हो गया, तो अब उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। पहले तो होता था कि तैयार हो निकल लिए, अब तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो चलिए अब थोड़ी देर में तैयार होते हैं, फिर आपको मिलती हूँ। और अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, बाल भी ऐसे ही सुखा लेती हूँ। पहले सोचा था ड्रायर से करूँगी, लेकिन वो अंदर सो रहा है तो ड्रायर भी नहीं कर सकती, तो मैंने कहा नेचुरल ड्रायर से करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो हम रेडी हो चुके हैं और अब जा निकल रहे हैं, पीछे पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, निर्भय को भी रेडी करके बिठा दिया है, पापा भी बैठ गए, कार्तिक भी आ गया है दिल्ली से, और वो भी अपना एयरपोर्ट भूल गया, बस वो लेने गया है। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने आज छोटी बनाई है खजूरी, तो चलिए बाकी लोग आपको वहीं दिखाऊंगी और पूरा कीर्तन। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में और आयुष से मिलवाती हूँ। और मैंने अपना मेकअप खुद किया है, बताना कैसा लगा। तो हम लोग निकल चुके हैं सारे कीर्तन के लिए, थोड़ा लेट हो चुके हैं, सब बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं। ओए कैसे लग रहा है देखना, वो देखो चैंप, इसको भी जाना है, आज इसकी फर्स्ट वेडिंग है। पहुंच गए हैं हम घर पे, मामा जी नमस्ते, हेलो, पहुंच गए हैं शादी वाले घर में। ओए 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 मामा जी नमस्ते। तो ये है रसम। Thank you.
खुद ही गा दिया अपना, खुद ही गा दिया। मुझे था पुप्पा क्या कार्य मिला तुम्हें अब फूल चुगने का कार्य है ये, क्योंकि जो आएंगे ना कीर्तन वाले उनके ऊपर बरसाने हैं। मामी आपका मैचिंग हो रही पीछे बिल्कुल, क्या हुआ इंतजार कर रहे क्या उनको? तो पता है रास्ता, रास्ता हमारा पता है ना, लेकिन वो टोल ना चढ़ जाए ना। महाराज जी आ चुके हैं। Thank you.
तुम्हारा जीवन हराम कर रखा। तुम कहो तो हम लाए, सारी गोपियों ने जुगत बनाई है। और एक गोपी के बड़ी मोटी गोपी पैसे वाली, उसके घर में बहुत माखन लगाया गया कि कल लाला को पकड़ेंगी रंगे हाथ। उंगली तो पकड़ लेता है, मेरी तो नहीं पकड़ता है, मैं तो ऐसे करता हूं, यूं खोल के रखेगा पंजा। पकड़ ली उंगली, ये कह रहा कहां जा रही, मेरे लिए भी लेकर आना छोले कुलचे। हां मैं भी खाऊंगा छोले, खाओगे जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ आप, ठीक है? जल्दी जल्दी बड़ा नहीं यार, गोदी में नहीं आएगा फिर। छोटे छोटे अभी हमारे का कोई छोटा नहीं था ना, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ी, है ना? पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ी, इससे पढ़ाई की टेंशन हो रही। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, अभी उम्र ही क्या है तेरी, अभी तो पढ़ाई तेरी शुरू भी नहीं हुई। बहुत गंदी हो,
क्या मैं आ लो या नहीं हूँ नानी है ना आप लोग आप अपन गाड़ी में जाओगे तभी दुल्हन बजा रही है अब बनो गया अभी तक चिकली इतनी जल्दी हालात बदल गए जज्बात घर वालों का नाम ना लेना बच्चे डर जाएंगे रोला पाएंगे एंजल का डांस बहुत अच्छा है वो कौन सा गाना है मासी जी दोस्तों हो जाए चंद शब्द आज के प्रोग्राम पे और इनके ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड हो रहा है बताओ यार अब सबको दे रही हो गीता मासी ऐसे यार ऐसे तो नहीं अच्छा लग रहा है यार बताओ यार गीता और मुझे बहुत हीन भावना महसूस हो रही है क्या हो रही हीन भावना महसूस हो रही है सबको तो ये साड़ी करो हीन भावना के कारण मुझे फिर भूख लग गई है इसकी खाने में भिजवा दी है और ये पहले ही 4-5 कटोरे खा चुके हैं पहले नहीं ले चुके आप साड़ी आपकी पहुंच नहीं चुकी लुधियाना तभी तो मैं आगे की भी तो बात सुन अब लाउंज में पूरा नहीं आना और ये यहाँ पे एडिटर पे पॉइंट पड़ा है कि व्लॉग पूरा नहीं आना कंप्लेंट है जी मिस्टर टंडन बोलो तो सही कुछ सुनाओ दोनों फादर्स बैठे हैं अपने अपने बच्चे लेके दोस्तों घर के लिए निकल गए हैं और काफी अच्छा रहा कीर्तन और आज काफी साए हैं देखिए एक और चाय बरात जा रही है हसीनों का दीवाना यहाँ पे है रिसेप्शन दिख रहा है सृष्टि का रिसेप्शन चैंप नहीं है हमारे साथ हम वही छोड़े उसे वो नानी वो मामी के साथ आ रहा है दूसरी गाड़ी में ये देखिए अनोखी बारात तो दोस्तों हम आ गए हैं घर और मुझे मिला है गिफ्ट मामी और मामा जी की तरफ से सृष्टि की शादी का गिफ्ट और ये ना फोटो में यार क्यों नहीं आ रहा है ये कलर तो पिंक है दोस्तों अभी भी नहीं आ रहा है ये मैंने पन्नी से निकाल दी है बहुत प्यारी साड़ी है यार ये तो आई नहीं रही इसमें सामने दिन में दिखाऊंगी अभी ना मतलब अभी आपको मैसेज दिखा मेरे नेल्स ही कैसे आ रहे हैं इसमें मेरे नेल्स भी कौन से ऐसे हैं इसमें तो ये है वो साड़ी जो मुझे मिली है ऑल ओवर इसमें ना पर्ल का काम है ये देखिए पर्ल्स दिख रहे हैं कितना प्यारा है बहुत सुंदर साड़ी है और इसको मैं जरूर वेयर करूंगी तो ये देखिए साड़ी ऐसे दिख रही है मैं पूरी साड़ी दिखा मैं कलर ही नहीं आ पा रहा यार इसमें वो कैमरे में लैवेंडर कलर है इसका शायद ना लैवेंडर पिंकिश तो बहुत प्यारी साड़ी है और इसको मैं जल्दी वेयर करूंगी लेकिन थोड़ा सा पतला होके क्योंकि मैं ऑपरेशन के बाद से ना थोड़ा सा गेन कर लिया मैंने वेट तो इसलिए जब मैं पतली हो जाऊंगी तो इसको ज़रूर वेयर करूंगी और बहुत सुंदर साड़ी है थैंक यू मामा मामी जी तो चलिए अब मैंने मेकअप वेकअप उतारती हूँ कपड़े चेंज करते हैं गुद भी खोल दी मैंने इन दोनों तो चेंज कर लिया इसने नहीं करा इसको भी चेंज करवाते हैं और सेटल होते हैं आयुष शायद स्टोर जाएगा थोड़ी देर के लिए सावे साफ करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करता है बहुत थक गए बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ आज कीर्तन में हम इतना थक गए और आगे तो अभी शादी है और लुधियाना जाना है हमने और ठंडा भी ठीक ठाक है बाहर ऐसा नहीं है ठंडी है लेकिन आज मैंने बहुत सारी बरातें देखी आज बहुत शादी थी आज साया था ना आज वसंत पंचमी है आज वसंत पंचमी है तो चलिए चेंज वेंज करते हैं उसके बाद देखते हैं चले क्या है वैलेंटाइन्स डे थोड़ा सा लेट हो गया चले पकड़ो उठ के बैठो ना कोई बात नहीं ये हॉट वाटर बैग भी गर्म हो रहा तुम्हारा खेलो 15 फरवरी है अब तो क्या हुआ थोड़ा सा लेट हो गया डिलीवरी बॉय लेट हो गया था तुम्हारे रोज डिलीवरी बॉय हो रहा है इस समय दुकान नहीं खुली होती ना कोई नहीं
करती हूँ। अभी तो क्या है रिएक्शन है, नींद आ रही है, असली है, नकली नकली है, नकली। तुमने आज एक ही मंगाया वैलेंटाइन डे पे, और उस दिन रोज डे पे इतने सारे रोज, तो वो रोज डे था ना, आज वैलेंटाइन डे है, वो खाली रोजेस थे, आज परफ्यूम भी है, तो भाई इसमें वो भी है। हाँ छोटा सा थैंक यू, सेम टू यू, बैठ गुड नाइट कर दो फिर। ये क्या है, परफ्यूम देते हैं क्या किसी को? तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता, लड़ाइयाँ वैसे भी होती हमारी। अभी मेरी हालत ऐसी हो रही है। कोई बात नहीं, चलो गुड नाइट कर दो फिर। गुड नाइट, ये कल कंटिन्यू करूंगी, आज ब्लॉग थोड़ी एडिट हो रहा। कोई नहीं, कल कर लेना, थकान भी तो हो रही। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और ये बहुत क्यूट है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, मतलब इसकी फ्रेगनेंस अच्छी है, बाकी यूज़ करके देखूँगी। और बहुत लेट था पर ठीक है, सुबह से फंक्शन अच्छा है, मेरा फर्स्ट परफ्यूम। तो दोस्तों चलो, बहुत दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा थक गए, कल ट्रैवल भी करना है बेटा, पता नहीं। ये भी क्यूट है, ये भी क्यूट है, thank you।